तो दोस्तों आज हमें जो जालौर हत्याकांड हुआ था उसके समर्थन में आज केजरीवाल के लोगों ने यहाँ पर कैंडल यात्रा निकाली है। तो यहाँ के हम लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया। जो राजस्थान जिले का जालौर है, राजस्थान राज्य जो जालौर का जालौर जिला है उसमें सुराणा गांव है, उसमें जो ये घटना हुई है इंद्र कुमार मेहवाल जो इसको मतलब जाति आधारित मान के मतलब घड़े का पानी पीने पर इसको इतनी बड़ी सजा दी गई है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब उसका 20 जुलाई को साथ उसके साथ हादसा हुआ और वह हॉस्पिटल में रहा 25 दिन तक, मगर फिर भी उसका इलाज नहीं हो पाया। इसलिए मैं सर्व समाज से यही अपील करता हूँ कि ऐसे इंसानों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो जाति आज भी देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, मगर आज भी ऐसे लोगों को आज़ादी नहीं मिली है। इसलिए मैं यही राजस्थान गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट से यही आशा करता हूँ कि ऐसे इंसानों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा आज़ाद है। आज भी गुलामी जी रहे, मतलब ये क्या देश है, देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, मतलब एक राष्ट्र मतलब ऐसी ऐसी जगह जाओ क्या क्या गुलामी में दे रहे हैं। जाति बात कहाँ, मतलब देश आजाद हुआ आई हिंदुत्व का ना लग रहा है, हमें हिंदू एक भाई है, हिंदू का हिंदू आज ऐसी ऐसी में भ्रांति पैदा कर रखी है। मतलब जो भी होना चाहिए, मतलब समान अधिकार मिलना चाहिए, जबकि आज देश प्रधानमंत्री बोले हिंदू है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू हिंदू कहाँ समझ रहे हैं। हमें राजनीतिक दबाव में तो हमें हमारे वोट लेकर के उनका निष्क्रिय को वोट मिले, तो हमें हिंदू तो नारा लगवाते और हमारे पर मतलब उसे हमारे से हीन भावना देखते देखते क्यों ऐसा, क्यों ये सरकार ऐसे क्यों करी है। जो बोले तेरे मतलब हमारे से हमारे मतलब एक तरफ का हमारे साथ भाईचारा का व्यवहार निभा रही है, इसलिए इसको कड़ी से कड़ी से दले जाए। आइंदा ऐसा करता है ये जालौर में एक नासमझ बच्चे को पानी पीने के अपराध में जो एक छोटी मानसिकता के टीचर द्वारा जो उसके साथ एक अनहोनी घटना हुई, उसका हम सर्व समाज खेजरौली और सर्व समाज राजस्थान की तरफ से घोर विरोध करते हैं। और ऐसी मानसिकता, एक तरफ सरकार आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही है और एक तरफ जो नीचे तबके के लोग हैं उनका दमन किया जा रहा है, तो मैं सरकार से और आम लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों से दूर रहें और अपने समाज में ऐसे समाज कंटकों को पनपने से रोकें। और किसी भी जाति से जो बंदा आता है उसके साथ गलत होता है तो उसके समर्थन में सब लोग आए, क्योंकि हमेशा दबाया गरीब को ही जाता है, कभी पैसे वालों के साथ तो सब आ जाते हैं। लेकिन मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि गरीब का साथ दें, जिससे उसके हकों की सुरक्षा हो, जिससे किसी गरीब के साथ कोई पीड़ित ना हो, अन्याय ना हो, तो ऐसी दोबारा घटना ना हो। जो ये घटना घटी है जालौर जिले में, ये बहुत ही गलत हुआ है, जात पात का होना ही नहीं चाहिए। और ये भारत आज़ाद देश है, उस आज़ाद देश को किसी को गुलाम रखा जाता है तो ये बहुत गलत है। मैं इस पैदल यात्रा के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें और पीड़ित परिवार की तरफ से पूरा फैसला करें, दबाया नहीं जाए। दलित होने का मतलब ये नहीं है कि उसको दबा दे, यही मेरी फिर पूरे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गरीबों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और इस दलित को न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी सबकी मांग है। मैं तो इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जी महोदय हैं, उदयपुर घटना में तो तुरंत वो वहाँ पहुँच गए थे और उनको 50 लाख की सहायता दे दी गई थी, 2 आदमियों को नौकरी दी गई थी। क्या वही हिंदू थे, क्या ये हिंदू नहीं है, क्या मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। इसमें तो 5 लाख रुपए दे जा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं दे जा रही, क्यों भाई। ये बच्चा बड़ा होकर के अपने माँ बापों को पालन पोषण करता, उनको कमाई देता, उनका जीवन यापन होता, आज इस बच्चे की क्या गलती है। इसके ऊपर भी लोग वहाँ राजनीति कर रहे हैं, इसमें भी भेदभाव कर रहे हैं, ये जातिवाद नहीं है तो क्या है फिर, अपन किसका अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं तो सरकार से यही मांग करता हूँ कि ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए एक अलग से कानून बनाया जाना चाहिए,
जिसकी कठोर से कठोर सजा हो और मृतक के आश्रितों को 50 लाख रुपए और एक कर्मचारी एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ, नहीं तो फिर ये दलित समाज, इनके हम साथ हैं और हम बड़ा आंदोलन करेंगे।